नमस्कार दोस्तों, मैं बुद्ध विलास रायकवार। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा था कि ये मतलब अभी तक क्या है ना कि नया इंजन है। मतलब आप देख सकते हैं पंखे की जो पैरिंग बैरिंग है, जो पंखे की पैकिंग है वो तक नहीं निकली है। और अब इसमें मतलब इसमें मोबाइल भी नहीं है एक बूंद, तो हम इसमें मोबाइल डालेंगे। इसके बाद देखते हैं, 2-3 साल से रखा है तो क्या पोजीशन पंप नोजल बचे हैं या जाम हो गए हैं, जो भी है। हालांकि जाम तो होना नहीं चाहिए, फिर भी मैं आपको खोल के सब कुछ इसको स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। देखते हैं अभी तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इसमें थोड़ा सा डीजल डालते हैं जिससे थोड़ा सा पंप नोजल में पहुँच जाए हर जगह, तो जिससे जो जाम वगैरह है वो आराम से आसानी से खुल सके। देख सकते हैं आप दोस्तों, अभी यहाँ तक जो है ना एक भी मतलब कुछ नहीं डाला गया, अभी जस्ट डाल ही रहे हैं। पूरा डाल देंगे, बस हो गया। यह नली के ऊपर भरना जहाँ पाओ नहीं, या वह मचा जी है अब इसके बाद हमने डीजल भी थोड़ा सा डाल दिया जिससे तकले मतलब जो है ना पूरा हर जगह पहुंच जाए। अब जैसे इंजन घुमाएंगे तो डीजल जो है मतलब मोबाइल जो है हर जगह पहुंच जाएगा, इसीलिए हमने थोड़ा सा मोबाइल पहले ही डाल दिया है। अब इसके बाद थोड़ा थोड़ा सा देखते हैं तेल की सप्लाई का क्या सीन है। एयर निकालते हैं, इसका एयर तो निकाल लिया है पर अभी क्या है ना कि अभी डीजल आ नहीं रहा, वैसे बहुत टाइट चल रहा है बहुत ज़्यादा। पर उसका कारण ये है, देखिए पंखे में पूरी तरह से तेजी से घुमाओ थे इसे। पंप बस हो गया था, ये देख सकते हैं मतलब ऐसे ना ये पूरा ऊपर पंप चढ़ने के बाद ये जो है जाम हो गया है। तो थोड़ा सा कुछ ऊपर से हल्का सा ठोकर मारूंगा, देखते हैं अगर निकल आता है ये। वैसे जाम तो खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, टाइम चाहे जो लगे। ये हमारा पंप जो है कंप्लीट हो चुका है। अरे तो स्टार्ट कहाँ कहीं पे, ये तो स्टार्ट घुमा बस, आओ तेज, आओ आओ आओ, बस हो गया, हमें लाग